तो जिन गर्ल्स को इश्यूज़ हैं ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के, वो मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को डिटेल से हर चीज़ बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक रेमेडी, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है स्पेशली ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए। वो कस जिनको वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं और वो बहुत परेशान रहती हैं, तो आज की वीडियो कम्प्लीट देखना। अगर आपको वाकई ही ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का इशू है तो आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं लड़कियों के लिए। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। मैं अक्सर जब किसी यूट्यूबर की वीडियो देखती ना, तो बहुत सी लड़कियों ने कमेंट किए हुए थे आप ये ब्लैक हेड्स के लिए वाइट हेड्स के लिए कुछ प्लीज़ कुछ बता दे प्लीज़। और बहुत सी गर्ल्स होती है जो रेमेडी नहीं ट्राई करती। डेफिनेटली लाइफ इतनी बिजी होगी या टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो रेमेडी ट्राई करे। और फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि रेमेडी जो है ना हर एक को सूट नहीं करती, हर एक स्किन अपनी टाइप की होती है तो हर एक को सूट नहीं करती। लेकिन आज की वीडियो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सॉरी आज की रेमेडी जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, ये 100% काम करेगी और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन गर्ल्स को इश्यूज़ हैं ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के, वो मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को डिटेल से हर चीज़ बताऊँ। ओके जी, आज आप लोगों के साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ वो भी मैंने बताया ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के मुतल्लिक है। तो अभी जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। स्पेशली जो मैरिड वुमेन या मदर्स हैं वो तो लाजमी इस प्रोडक्ट को अपने घर में रखती हैं, स्पेशली विंटर सीजन में। खैर बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ये मैं खुद भी यूज़ करती हूँ अपने फेस पर जब मुझे ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हो जाएँ। तो ये मैं किस तरह यूज़ करती हूँ, जो मेरे चुटकियों में ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाते हैं, ना फिर मेरे ओपन पोर्स होते हैं और ना ही जो है ना मुझे एक्नी वगैरह होती है, ना ही किसी किस्म की एचिंग या रैश होते हैं। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है जब हम ब्लैक हेड्स रिमूव करते हैं तो हमें हमारे पोर्स लार्ज हो जाते हैं। और स्पेशली जब हम पिन के साथ, कभी भी पिन के साथ, ये मेरी बात हमेशा याद रखें कि पिन के साथ हेयर पिन हो या ब्लैक हेड्स नोज पिन हो, कभी भी उन इन चीज़ों के साथ जो है ना ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव नहीं करने चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना हमारे फेस पे गड़े डालती हैं और जो पोर्स है ना वो उनका साइज़ लार्ज कर देती हैं। मैं सिंपल एक इसके साथ ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स रिमूव करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, अगर मेरी नोज़ पे ब्लैक हेड्स हैं, ठीक है, या मेरी चिन पे, या एक दो मुझे इधर ब्लैक हेड्स हो गए हैं। और ब्लैक हेड्स आपको पता है हमेशा तली हुई चीज़ें खाने से और फास्ट फूड बर्गर शर्गर, अगर हम ये बहुत ज़्यादा खाएं ना तो फिर हमारी स्किन जो है ना वो ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स बनते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपली जब रात को फेस वॉश करती हूँ, फेस वॉश करने के बाद इतनी सी, ये आप लोगों को नज़र आ रही है, ये जस्ट मैं ये लेती हूँ। अगर मेरी नोज़ पे ब्लैक हेड्स है तो मैं अपनी नोज़ पे अप्लाई कर लेती हूँ। अगर मेरी नोज़ पे ब्लैक हेड्स है तो मैं अपनी पूरी नोज़ पे इसको अप्लाई करके रात को सो जाती हूँ, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। आपको पता है ये तो वैसे ही ऑयली होती है, तो इसको आप अपनी नोज़ पे, और फिर डिपेंड करता है कि आपको कितने, यानी कि कितने गहरे या कितने मोटे मोटे ब्लैक हेड्स है। अगर आपको नॉर्मली बिल्कुल लाइट से ब्लैक हेड्स है ना तो आपको आपके एक रात के ही प्रोसेस में ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे। लेकिन आपको थोड़े मोटे मोटे गहरे और बहुत ज़्यादा पुराने ब्लैक हेड्स हैं तो वो थोड़ा एक से दो प्रोसेस में रिमूव हो जाएंगे। अच्छा जी, आपने इसको रात को अप्लाई करके अपनी नोज़ पे, अगर नोज़ पे, नोज़ पे, चिन पे, जहाँ भी है ना आपके फोरहेड पे है, वाइट हेड्स का भी, वाइट हेड्स की भी मैं बात करी, तो आपने अप्लाई करके सो जाना है। सुबह क्या करना है, आपने सिंपली उठना है, नॉर्मल जो आप पानी यूज़ करते हो, प्लेन पानी और फेस वॉश यूज़ करते हो, उसके साथ अपना फेस वॉश कर लेना है, ठीक है, और फिर टॉवल के साथ अपना फेस ड्राई करना है। आप खुद देखोगे आपके ब्लैक हेड्स रिमूव हो चुके होंगे। अच्छा, ब्लैक हेड्स रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने मास्क लाजमी अप्लाई करना है। कोई भी आपके पास मास्क है, मट मास्क है, या और कोई आप फेशियल मास्क अगर आपके पास है तो फेशियल मास्क, यानी कि आपके पास घर में जो मास्क भी है आप वो मास्क अप्लाई कर लो। क्योंकि ब्लैक हेड्स रिमूव होने के बाद हमारे पोर्स जो है ना वो ओपन हुए होते हैं, तो मास्क लगाने से वो
बंद हो जाती है। अच्छा जी, मास्क लगा लिया। मास्क रिमूव करने के बाद आप कोई भी टोनर जो आपके घर में आप यूज़ करते हो नॉर्मली, कोई भी टोनर यूज़ करते हो घर में नॉर्मली, आप वो टोनर अप्लाई कर लो। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने अर्जेंट कहीं जाना होता है किसी फंक्शन में या किसी फैमिली के घर, तो हमें हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं ना, जब हम मेकअप करते हैं या कोई भी फाउंडेशन या क्रीम अप्लाई करते हैं, तो वो वहीं से जहां हमें ब्लैक हेड्स होते हैं वो वहीं से ग्रे हो जाती है और बहुत बुरे लगते हैं। तो अगर दूसरा प्रोसेस ये मैं बता रही हूँ, अगर आपको अर्जेंट कहीं जाना है और आपके पास फेशियल करवाने का या ब्लैक हेड्स रिमूव करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर हम और किसी तरीके से ब्लैक हेड्स रिमूव करते हैं तो वो स्पेशली पूरा प्रोसेस होता है कि क्लिनजिंग करो, स्टीम लो, ये करो वो करो, तो आपने अगर अर्जेंट कहीं जाना है तो आप अर्जेंट भी दिन में किसी भी टाइम आपने अर्जेंट कहीं जाना है तो आप ये अपने उसी एरिया पे अप्लाई करें जिस एरिया पे आपको ब्लैक हेड्स हैं, अप्लाई करें, 2 मिनट के लिए लगा रहने दें, पानी गर्म कर लें और स्टीम लें। आप 2 मिनट की 3 मिनट की स्टीम लेंगे तो वो ब्लैक हेड्स उसी टाइम रिमूव हो जाएंगे। फिर वही प्रोसेस के फिर मास्क लगा लो और टोनर लगा लो और फिर आप कहीं जाने के लिए तैयार होना चाहते हो तैयार होके चले जाओ। ये दोनों प्रोसेस मैंने आपको बताए और कमाल का इनका रिजल्ट है। मैं अपने ब्लैक हेड्स, अगर मुझे कभी ब्लैक हेड्स होते हैं तो मैं कभी भी ना पिन से अपने ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करती हूँ, ना ही मैं फेशियल के ज़रिए अपने ब्लैक हेड्स रिमूव करती हूँ। कि अगर मैंने एक फेशियल ब्लैक हेड्स रिमूव करना है तो उसके लिए मैं पूरा प्रोसेस करूँ फेशियल का, नहीं। मैं जस्ट क्या करती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि मेरी नोज़ पे ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, वैसे मुझे जो ब्लैक हेड्स होते हैं ना सिर्फ यहाँ होती है, यहाँ, क्योंकि मुझे यहीं पर जो है ना ओपन पोर्स है, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, बहुत ज़्यादा मेरी नोज़ टिप पर, तो मेरी नोज़ टिप पर ही ब्लैक हेड्स होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, रात को अप्लाई करती हूँ तो पूरी रात लगी रहने देती हूँ, और सुबह, क्योंकि ये गर्म होती है, हीट प्रोड्यूस करती है, तभी ये बच्चों को लगाई जाती है क्योंकि इससे बच्चों को भी सुकून मिलता है। तो ये हीट प्रोड्यूस करती है तो हमारे जो ब्लैक हेड्स है ना वो सॉफ्ट होके बाहर निकल आते हैं। तो मैं स्पेशली यही एक नॉर्मल सा प्रोसेस है जो मैं करती हूँ, कोई अपने आप को ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालती। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं खुद करती हूँ, और अपर लिप्स की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, आर्म पिट्स की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और आज आप लोगों के साथ मैं ब्लैक हेड्स की शेयर कर रही हूँ। आप ट्राई करना, आप आज ही रात को ट्राई करो इसे। अगर आपको ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, आप इसे रात ही अप्लाई करके सो जाओ और आप सुबह देखोगे आपके ब्लैक हेड्स रिमूव हुए होंगे, ठीक है। बहुत आसान सा मेथड है, और अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मंगवा के रख लो, बजाय इसके कि आप लोग ब्लैक हेड्स रिमूव करवाने के लिए पार्लर जाओ, ठीक है। 200-300 रुपये ले लेती हैं, 500 रुपये ले लेती हैं। मैंने एक दफ़ा पार्लर से रिमूव करवाए थे तो उन्होंने मुझसे 500 जस्ट ब्लैक हेड्स रिमूव करने का लिया था। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर ट्राई करना, आज ही ट्राई करना, आप लोगों को बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा और ब्लैक हेड से एक किस्म की आपसे जान छुट जाएगी। क्योंकि ये होता है कि आप जब बार बार ये लगाते हो ना तो ये आपके ब्लैक हेड्स नहीं बनने देती, और फिर जब आप बार बार मास्क अप्लाई करते हो ना तो आपके पोर्स बंद हो जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, नई रेमेडी, नई टिप के साथ, न्यू रिव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।